नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। भारत इन दिनों एक के बाद एक कई ऐसे काम कर रही है जिससे देश का सिर फक्र से ऊंचा उठ रहा है और भारत का लोहा विश्व मान रहा है। अब इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे और 33 मिनट यानी कि मात्र 5 दिन के भीतर ही 75 किलोमीटर सड़क बनाकर इतिहास रच दिया है। NHAI ने रिकॉर्ड समय में NH53 में आने वाले अमरावती में अकोला सेक्शन पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि सड़क को 720 कर्मचारियों ने तैयार किया है जिसमें एडवर्टाइजर की एक टीम शामिल है। टीम दिन रात काम करती थी। 75 किलोमीटर सिंगल लेन बुटीमिनस कंक्रीट रोड कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर टू लेन पक्की सड़क के बराबर है। सड़क का निर्माण 3 जून को सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ था जो 7 जून शाम 5 बजे तक पूरा हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान NHAI अमरावती से अकोला तक सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके पहले बिटुमिनस सड़क निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फरवरी 2019 में दोहा कतर में बना था। यहां 25.275 किलोमीटर की रोड बनाई गई थी। इसे बनाने में 10 दिन का समय लगा था। अमरावती से अकोला खंड NH53 का हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण ईस्ट कॉरिडोर है जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इस विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक पूरा होने में मदद करने वाले राजपात इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियर, ठेकेदार, सलाहकारों, श्रमिकों को भी गडकरी ने बधाई दी। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।